हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का, दैट इज टॉपलिंग। है ना, टॉपलिंग होता क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टॉपलिंग, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और इंक्लाइन प्लेन पे, दोनों ही प्लेन पे हम लोग कंडीशन डिस्कस करेंगे। है ना, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या। ये इक्विलिब्रियम का ही कॉन्सेप्ट है। मान लो कि आपने एक रिजिड बॉडी लिया है, ठीक है, और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है दैट मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एम जी एंड एन। आपको मालूम है कि रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर है तो दो तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ठीक है, तो यहां पे n और mg आपस में इक्वल है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हो गया। साथ ही साथ n का लाइन ऑफ एक्शन और mg का लाइन ऑफ एक्शन एक ही स्ट्रेट लाइन में है, कोई गैप नहीं है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा नहीं, यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो गया, करेक्ट है। लेकिन मान लो कि अगर एक आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अगर मान लो एक एक्सटर्नल फोर्स आपने F लगाया, ठीक है, ग्राउंड से H हाइट पे, इस कंडीशन में अगर आप चाहते हो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, है ना, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस होना जरूरी है, यहां पे फोर्स F लग रहा है, तो ये F और ये F अगर आपस में इक्वल है और फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो अभी भी रहेगा, बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से आप देखो तो F और F का एक टॉर्क जरूर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में एच डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों फोर्स का, एच है, तो एक कपल प्रोड्यूस होगा और इसका टेंडेंसी क्या होगा, बॉडी को ऐसे टॉपल कराने का, ऐसे रोटेट कराने का, यानी बॉडी स्लाइड नहीं करेगा लेकिन घूम जाएगा किसी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट घूम जाएगा अगर आपने इसको एफ फोर्स लगाया तो। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे फोर्स लगाया वो टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये टॉपल हो सकता है, ठीक है, स्लाइडिंग के पहले ये रोटेट कर सकता है, इसी को हम कहते हैं टॉपलिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही फोर्स लगाएंगे टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा, इस टॉर्क के लिए, इस टॉर्क को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, है ना, ये जो mg है, mg अभी आपने लगाया था किधर, mg नीचे लग रहा है, ये mg के लाइन ऑफ एक्शन के जस्ट अपोजिट अब n नहीं लग रहा है, लगेगा इसको, इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये जो n है ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, किधर ये शिफ्ट हो जाता है, अप्लाइड फोर्स की तरफ, अप्लाइड फोर्स की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना, कितना शिफ्ट हुआ, सेंटर ऑफ मास के लाइन से मान लो ए शिफ्ट हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो इस एन का, एम जी का, ये दोनों एक ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये कौन सा टॉर्क हो गया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर ये दोनों टॉर्क बराबर है तो बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में होगा, टॉपलिंग नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, मान लो मैंने यहां पे पॉइंट पी लिख दिया और आपको टॉर्क अबाउट पॉइंट पी लिख लेना है, तो एन का तो चलो टॉर्क होगा नहीं, एफ का भी टॉर्क होगा नहीं, क्योंकि दोनों पी को क्रॉस करते हैं, तो किसका टॉर्क निकालोगे, एमजी का टॉर्क निकालोगे, और एमजी का जो टॉर्क है वो इस टॉर्क को, एफ के टॉर्क को बैलेंस करेगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आ रही है, अगर मान लीजिए आपने एफ थोड़ा और बढ़ा दिया या एच थोड़ा और बढ़ा दिया तो एन जो है वो और शिफ्ट होगा इधर, लेकिन एन मैक्सिमम कहां तक शिफ्ट हो सकता है, थ्रू एंड ऑफ द बॉडी, ये जो एज है इससे आगे नहीं बढ़ सकता है ना, यहां तक शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर एन, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस टॉर्क को बैलेंस कर सकता है तो बॉडी रोटेट नहीं करेगा, टॉपलिंग नहीं होगा। लेकिन यहां तक शिफ्ट होने के बाद भी इस टॉर्क का वैल्यू इससे कम रह गया, देन द बॉडी विल टॉपल,
बॉडी रोटेट कर जाएगा। इसी कंडीशन को हम अच्छे से आज इस लेक्चर में समझेंगे। सबके देखो, इस पॉइंट पे एंड ऊपर लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है, इधर लग रहा है क्या? ठीक है, तो फ्रिक्शन और एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये ऐसे लगेगा, और इसी पॉइंट पे एम जी को ऊपर लेके जाओ और यहां पे आपने ये एफ लगाया, ठीक है, तो अगर ये बैलेंस में है तो ये तीनों फोर्स यहां ओ पे मिलने चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया भी था कि अगर तीन फोर्स है और फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये तभी होगा जब तीनों फोर्स कॉन्कुरेंट हो, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो। तो यहां पे देखो, ये mg और f और m का रिजल्टेंट, ठीक है, इसको मैं r लिखता हूं यहां पे, ठीक है, mg r और f तीनों क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कंकरेंट फोर्सेस हैं, इसीलिए इक्विलिब्रियम में। अगर मैं अलग से इसको यहां पे बनाऊं तो एक फोर्स इधर आपको एफ दिख रहा होगा, एक फोर्स इधर दिख रहा है एम जी, और आर इधर है जो एन एफ का और एन का क्या है, रिजल्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हो कि भाई आर किधर लग रहा है, ये एंगल क्या है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, टेन थीटा इक्वल टू एफ बाय एम जी, एफ बाय mg, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्स क्या होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए, एक पॉइंट पे तीनों इंटरसेक्ट करना चाहिए, ओके। अब जो मैंने यहां पे बताया था, ये टॉर्क और ये टॉर्क आपस में इक्वल होना चाहिए, क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो अगर उसके हिसाब से हम देखें तो ये जो टॉर्क है एफ, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये बताओ। अगर मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया टॉर्क अबाउट पी, ये एक्सिस लिया, तो चूंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो टॉर्क अबाउट पी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब टॉर्क अबाउट पी कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो ये फोर्स है ना, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस h है, यानी f का टॉर्क कितना है, f इंटू एच। और आपको एक फोर्स यहां पे दिख रहा है mg, mg, ठीक है, mg का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इसका p से डिस्टेंस मैंने मान लो a लिया है, ठीक है, तो mg का टॉर्क कितना हो गया, mg इंटू a, यानी ये हो गया एम जी इंटू ए, यही टॉर्क है, ठीक है। और एफ तो चलो पी को इंटरसेक्ट करता है और एन भी इंटरसेक्ट करता है पी को, तो एन और एफ का कोई टॉर्क नहीं होगा। इन दोनों से आपको एफ बाय एम जी क्या मिला, ए बाय एच, यही ना, हाँ। और एफ बाय एम जी किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है। तो अगर ये कंडीशन, ये मैंने जो डिस्कस किया, ये अभी तक इक्विलिब्रियम में ही है वो पार्टिकल, है ना। अगर आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना फोर्स लगाया तो n कितना शिफ्ट करेगा, मतलब a निकालो, या n इतना शिफ्ट हुआ तो आपने कहां फोर्स निकाल, कितना ऊपर फोर्स लगाया था, मतलब h निकालिए या थीटा निकालिए, ठीक है। इस कंडीशन में इस इक्वेशन को यूज करके एफ एम जी ए एच थीटा में कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। ये कब, कौन सा कंडीशन है, नो स्लाइडिंग नो टॉपलिंग, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन है, ठीक है। क्या ये हमेशा मेंटेन रहेगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप एफ आप इतना बढ़ा देंगे, है ना, तो F जैसे जैसे आप बढ़ाओगे या H बढ़ाओगे, है ना, या तो F बढ़ाओगे या तो H बढ़ाओगे। यहां पे ध्यान से देखो, है ना, ये F, अगर ये वाला टॉर्क बढ़ने लगा, F बढ़ गया, H बढ़ गया, दोनों बढ़ गए, अगर ये टॉर्क बढ़ जाएगा तो इधर क्या बढ़ सकता है, सोच के देखो,
एम तो बढ़ नहीं सकता है, मास कांस्टेंट है, क्योंकि टॉर्क को तो बैलेंस करने के लिए इसको भी बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने एफ बढ़ा दिया या एच बढ़ा दिया या दोनों बढ़ा दिया, तो एम तो बढ़ नहीं सकता है, जी तो बढ़ नहीं सकता है, बढ़ेगा कौन बेचारा ए, ए को बढ़ना पड़ेगा ना। और ए मतलब एन कितना शिफ्ट करता है, यानी जैसे जैसे ये टॉर्क बढ़ेगा, एफ बढ़े एच बढ़े या दोनों बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ये एन और शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन बेचारा ये कहां तक शिफ्ट होता हो सकता है, जहां तक बॉडी है, यानी एन इसको कहां तक बचाएगा, एन इसको यहां तक बचाएगा। अगर मान लो मैंने बोला कि भाई इसका विड्थ बी है, तो एन कहां तक बढ़ सकता है ज्यादा से ज्यादा बी बाय टू तक, उसके बाद तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, है ना। अगर मान लो ये बी बाय टू तक बढ़ जाने के बाद भी ये बैलेंस नहीं हो रहा है, देन द बॉडी विल टॉपल, ठीक है। और स्लाइड होगा कि होगा या नहीं, ये तो आपको मालूम है कि अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के से ज्यादा होगा तभी स्लाइड करेगा। लेकिन टॉपलिंग के लिए क्या है, ये दोनों टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। अगर एफ आपने इतना बढ़ा दिया कि ये टॉर्क बी बाय टू होने के बाद भी बैलेंस नहीं होता है, तो बॉडी टॉपल करेगा, ठीक है। अब देखो वो मैक्सिमम केस को डिस्कस करते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो मैंने वो कंडीशन लिया कि चलो एफ जो है लग रहा है ऊपर, एच का मैंने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, ठीक है। और दिस इज द कंडीशन फॉर टॉपलिंग। जैसे जैसे मैंने क्या बोला था, एफ आप बढ़ाओगे, एफ बढ़ाने से क्या होगा, ये जो एन है यहां पे, जो एन लग रहा था पहले एमजी के अपोजिट, ये इधर शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन ये कहां तक शिफ्ट हो सकता है, मैक्सिमम ये इस लाइन तक शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, जो बॉडी का एंड है। इसके अगर इसके बाद भी ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाया, देन द बॉडी विल टॉपल अबाउट पॉइंट ए, है ना। इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी ऐसे घूम जाएगा, दैट इज द कंडीशन फॉर टॉपलिंग, ठीक है। स्लाइडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय कि वेदर एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल और लेस, ठीक है, और लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, दैट वी नो दैट न्यू एम जी। इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले टॉपलिंग समझते हैं, ये टॉर्क इससे ज्यादा हो गया तब टॉपलिंग हो गया। ये किसका टॉर्क है, एफ का टॉर्क है, और ये टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू एच, और ये ज्यादा हो गया या इक्वल हो गया, ठीक है, किसके टॉर्क से, तो ये जो यहां पे n का n है और ये mg है, ठीक है। देखो n का भी टॉर्क इधर है और mg भी इसको नीचे ही रख रहा है। इस पॉइंट के बाद अगर निकालोगे तो n का कोई टॉर्क नहीं है, बिकॉज n इज पासिंग थ्रू ए, और f फ्रिक्शनल फोर्स का भी कोई टॉर्क नहीं है। किसका टॉर्क है, mg का टॉर्क। mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू ये डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है b अपाय टू, That means mg into b by 2, यानी f का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए किसके, mg into b by 2h, तभी टॉपलिंग होगा, ठीक है। This is condition for toppling. टॉपलिंग मतलब टिपिंग अबाउट ए, रोटेशनल इन रोटेशनल मोशन अबाउट ए, ठीक है, बॉडी रोटेट कर जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा। यानी इसके अगर एफ इससे बड़ा होना चाहिए तो, ठीक है, यहां पे दो वेरिएबल है, या तो एफ वेरिएबल, एफ भी वेरिएबल हो सकता है, एच भी हो सकता है वेरिएबल, ठीक है। एच मतलब कहां पे आप लगा रहे हो फोर्स, और एफ कितना फोर्स आप लगा रहे हो। यानी अगर मैं यहां पर बोलूं कि F मिनिमम कितना होना चाहिए टॉपलिंग के लिए, तो फॉर्मूला क्या आएगा, mg into b by 2h, बिल्कुल याद रखो इसको। यहां पे मैंने क्या माना, h इज कांस्टेंट, h क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान लो फोर्स ही कांस्टेंट है, आप उतना ही फोर्स लगा सकते हो, आप h को वेरी कर सकते हो, आप ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते हो, फोर्स कांस्टेंट मान लेंगे हम, तो H कैसे वेरी करेगा, फिर H मिनिमम का लिखोगे फॉर्मूला, और H मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg b by 2f, यानी कम से कम इतना हाइट पे तो फोर्स लगना चाहिए। ये कौन सा मैंने माना कि F इज कांस्टेंट,
एफ इज कॉन्स्टेंट, तभी टॉपलिंग होगा, नहीं तो टॉपलिंग नहीं होगा। अब देखो मैं अलग अलग कंडीशन आपको लिखता हूं, है ना। एफ का वैल्यू एक तो स्लाइडिंग के लिए उधर वैल्यू है और टॉपलिंग के लिए मैंने यहां पे लिखा है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कब स्लाइडिंग होगा, कब टॉपलिंग होगा, पहले कौन होगा या दोनों एक साथ होंगे, ये अगर आपको जानना है तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लो। अब चलो बताओ मुझे कि स्लाइडिंग कब होगा, ठीक है। स्लाइडिंग विल अकर, ये अब आपको मालूम है, एफ विल बी ग्रेटर देन न्यू एम जी, उस कंडीशन में क्या होगा, स्लाइडिंग होगा। अगर आपसे पूछा जाए स्लाइडिंग और टॉपलिंग दोनों हो रहा है, दोनों होने वाला है, उस कंडीशन में आप एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, न्यू एम जी। एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, न्यू एम जी। और इस कंडीशन में एच मिनिमम कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया कितना, एम जी बी बाय टू एफ। और F कितके इक्वल है, F इक्वल है H मिनिमम, ये हो जाएगा एम जी बी। एफ के जगह में क्या लिखोगे, टू न्यू एम जी, एम जी एम जी कैंसिल। मतलब अगर दोनों होना है तो फोर्स कितना होना चाहिए, न्यू एम जी, और वो फोर्स कहां लगना चाहिए, तो H मिनिमम कम से कम होना चाहिए B बाय टू म्यू। यानी अगर ये बॉडी है, एक बॉडी है जिसका ये आपका विड्थ अगर बी है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, ठीक है, और इस पर आपने फोर्स लगाया है एफ, कितना फोर्स लगाया है, न्यू एम जी फोर्स लगाया है, और दोनों स्टार्ट हो रहे हैं स्लाइडिंग भी और टॉपलिंग भी, तो फोर्स कहां लगना चाहिए, तो फोर्स का ये जो हाइट है ये एच मिनिमम कितना होना चाहिए, बी बाय टू न्यू। ये बिल्कुल याद कर लो, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर ये याद रहा तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे, है ना। अभी मैं कुछ प्रॉब्लम लूंगा, एच मिनिमम इक्वल टू बी अपॉन टू न्यू, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये टॉपलिंग कंडीशन मैंने बताया हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, हो सकता है इंक्लाइंड प्लेन पे अगर क्वेश्चन हो तो इंक्लाइंड प्लेन पे कब टॉपलिंग होगा वो आपको निकालना हो तो ठीक है, उसपे उसका भी कंडीशन चलो कर लेते हैं डिस्कस, है ना। चलो अब समझते हैं टॉपलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी टॉपल करेगा, स्लाइड करेगा, क्या टेंडेंसी है उसका, स्लाइड करने का है या स्लाइड करने से पहले टॉपल करने का है, है ना, ये एक बार समझते हैं। मान लो कि एक रिजिड बॉडी है जिसका मास एम है, मास क्या है, एम है, ठीक है। तो आपको मालूम है जब आप फोर्स लगाओगे तो इस तरफ कौन सा फोर्स होगा, इधर ये फोर्स हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, इधर एम जी है, मैंने ये लिया कॉम्पोनेंट, है ना। अब आप मुझे बताओ ये रफ सरफेस है, न्यू दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इंक्लाइनेशन थीटा है, विड्थ बी है और हाइट एच है, मुझे एन कहां लगाना चाहिए, ठीक है, मुझे एन कहां लगाना चाहिए। बॉडी का टेंडेंसी है क्या, बॉडी का टेंडेंसी, इधर फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स है एम जी साइन थीटा, और चूंकि रफ है इसीलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा एफ। अब मुझे नॉर्मल फोर्स यहां लगाना चाहिए एम जी कॉस थीटा की तरफ क्या, तो नहीं, क्योंकि देखो यहां पे ये मान लीजिए तो इसका सेंटर ऑफ मास है, मैं इसको सी लिखता हूं। आप अगर ध्यान से देखो तो इस F का, ये F जो है ये इधर लग रहा है ना, इस F का टेंडेंसी है बॉडी को टॉपल कराने का, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है और यहां पे F लग रहा है, तो F का टेंडेंसी क्या है, बॉडी को रोटेट कर देने का, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसको रोकने के लिए आपको एक ऐसा फोर्स चाहिए, है ना, जो इसके अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करे। यानी ये सेंटर ऑफ मास के इस तरफ है, तो इस मतलब सेंटर ऑफ मास के इस साइड जिधर अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड नहीं एम जी साइन थीटा जो फोर्स है, ये इस कंडीशन में क्या है, बॉडी को ये नीचे लाना चाहता है, ठीक है। और एम जी साइन थीटा हालांकि सी के अबाउट कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू सी,
तो कौन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो नॉर्मल फोर्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल फोर्स यहां पे ऐसे लगेगा। अब ये नॉर्मल फोर्स इस सी के अबाउट ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, देखो दोनों टॉर्क बैलेंस हो गए ना। अगर ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में इक्वल है तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, स्लाइड करेगा या नहीं करेगा ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा कि स्लाइडिंग का कंडीशन होता है जब न्यू इक्वल टू टेन थीटा होता है, याद है आपको, ठीक है। स्लाइडिंग कब होगा, जब एमजी साइन थीटा एफ से बड़ा हो जाएगा, है ना। फॉर स्लाइडिंग, एक बार चलो मैं लिख देता हूं, फॉर स्लाइडिंग एमजी साइन थीटा, ठीक है, शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू न्यू एम जी कॉस थीटा, यानी ये तब होगा जब टेन थीटा का वैल्यू बड़ा हो जाना चाहिए न्यू से, या अगर इक्वल है तो दैट इज द कंडीशन फॉर स्लाइडिंग। लेकिन अब स्लाइडिंग के बारे में नहीं, पहले कि हम टॉपलिंग समझते हैं। टॉपलिंग कब नहीं, टॉपलिंग का कंडीशन कब हो जाएगा, जब ये एन है, ये जो टॉर्क इस टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये कंडीशन होगा। अच्छा, अब ये एन जो है इस तरफ शिफ्ट हो गया थोड़ा, ठीक है। अगर मान लो ये फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो एन शिफ्ट होते होते एन का मैक्सिमम शिफ्ट कहां तक हो सकता है, इधर हो सकता है ना। तो मान लो अगर मैंने मैक्सिमम कंडीशन लिया, तो मैक्सिमम कंडीशन में एन कहां पे लगेगा, एन विल बी एक्टिंग, ये आपका एन हो गया, इस पॉइंट को आप ए ले लो, इससे ज्यादा तो एन शिफ्ट नहीं हो सकता है ना। एन शिफ्ट होते होते यहां तक आ सकता है, तो मान लो कि मैंने वो कंडीशन ले लिया एक्सट्रीम कंडीशन, एन यहां पे आ गया, अगर फिर भी ये टॉर्क इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा तो बॉडी ए पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी ठीक है, अगर मैं लिखूं फॉर बॉडी, द बॉडी इज अबाउट टू टॉपल, अबाउट पॉइंट ए, ये जो पॉइंट है इसके अबाउट ये टॉपल हो रहा है, ये कब होगा, जब इसका ये जो टॉर्क है इस टॉर्क से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये टॉर्क कितना हो जाएगा बताओ, अब एफ का टॉर्क बताओ अबाउट सी, है ना, ये सी के अबाउट एफ, ये कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, अगर ये पूरा एच है तो एच बाय टू, तो आप क्या लिखोगे, एफ इंटू एच बाय टू शुड बी ग्रेटर और इक्वल, एफ का टॉर्क निकाला सी के अबाउट, तो एफ से सी का डिस्टेंस कितना है, एच बाय टू है। और यहां पे देखो mg तो कोई फोर्स नहीं लगा, कोई टॉर्क नहीं लगा रहा है, n लगाएगा टॉर्क, और n का डिस्टेंस कितना है, n का देखो n वर्टिकली लग रहा है, तो n के लिए ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कितना है b बाय टू इज ग्रेटर देन, यहां पे क्या लिखोगे, n इंटू बी बाय टू, ठीक है। और n किसके इक्वल है, n इज आपको मालूम है, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो यहां पे आप इसको थोड़ा सा और कर लो, ये क्या हो गया, f इंटू एच बाय टू, f इंटू एच बाय टू इज ग्रेटर और इक्वल, यहां पे क्या हो गया, ये एम जी कॉस थीटा, ठीक है, इंटू बी बाय टू, समझ में आई बात, ओके। एफ क्या होता है, एफ होता है न्यू एन, है ना, मतलब यहां पे आप लिखोगे न्यू इंटू एम जी कॉस थीटा इंटू एच बाय टू इज ग्रेटर और इक्वल टू एम जी कॉस थीटा इंटू बी बाय टू, एम जी कॉस थीटा कैंसिल, टू और टू भी कैंसिल, मतलब
न्यू का वैल्यू क्या हो गया बी बाय एच या उससे बड़ा। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न दैट आप बस बी एच और बी का वैल्यू एच का वैल्यू और न्यू का वैल्यू इन तीनों के वैल्यू के हिसाब से समझ सकते हो कि बॉडी का टेंडेंसी टॉपल करने का है या नहीं। ठीक है, अगर बॉडी टॉपल करेगा कब करेगा जब न्यू बी से बी बाय एक्स से बड़ा होगा। अगर जस्ट इक्वल है इट इज अबाउट टू टॉपल। समझ में आई बात, यानी अगर ये टॉपल हो रहा है तो टॉपल करने का टेंडेंसी है तो न्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए बी बाय एच। और अगर न्यू बी बाय एच से ज्यादा है ठीक है तो बॉडी का डेफिनेटली टेंडेंसी होगा टॉपल करने का, है ना। अब इसको इसको और इसको अगर मैं मिला के लिखूं तो कैसे लिखूंगा मुझे बताओ जरा सा। ठीक है, आप मुझे इसका ये बताओ कि न्यू का जो वैल्यू है ना, न्यू का वैल्यू बड़ा है टेन थीटा से। स्लाइड करने के लिए न्यू का वैल्यू छोटा होना चाहिए टेन थीटा से, लेकिन न्यू का वैल्यू क्या है टेन थीटा से बड़ा है। और न्यू का वैल्यू बड़ा है बी बाय एच से तो क्या होगा। न्यू का वैल्यू टेन थीटा से बड़ा है तो स्लाइडिंग तो होगा नहीं, नो स्लाइडिंग। और न्यू का वैल्यू बी बाय एच से बड़ा है तो टॉपल तो होगा। यानी यहां पे आप क्या करो क्या लिखोगे, बॉडी हैज ए टेंडेंसी, बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। बिफोर स्लाइडिंग मतलब स्लाइड करने से पहले वो उसका टेंडेंसी क्या होगा टॉपलिंग का होगा, वो ए पॉइंट के अबाउट रोटेट हो जाएगा टॉपल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन देखो उसके हिसाब से आपको उसको करने के बाद आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, तब तक इसको नोट करो। अब देखो मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर आप पहले सॉल्व कर लीजिए उसके बाद मेरे आंसर से मैच कीजिए। आपको बताना है कि बॉडी का टेंडेंसी क्या है, स्लाइड करने का टॉपल करने का। ठीक है, क्या बॉडी का टेंडेंसी क्या है या दोनों करने का, है ना। आपको बस ये डायग्राम दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, ये बीम ले लो, ये एच दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, बॉडी विल टॉपल और नॉट। सोचो पहले, कुछ नहीं आप बस देख लीजिए यहाँ पे, आपको बस ये दो कंडीशन देखना है, है? मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि न्यू का वैल्यू देखो, न्यू का वैल्यू क्या है 0.8 और टेन थीटा का वैल्यू मतलब 1037 कितना होता है 3/4 मतलब 0.75। और एक वैल्यू आपको चाहिए b बाय h, b कितना है 1, h कितना है 3, मतलब ये क्या हो गया 0.33। तो अगर यहां ध्यान से देखो तो न्यू का वैल्यू 10 थीटा से बड़ा है तो स्लाइडिंग तो होगा नहीं। स्लाइडिंग के लिए न्यू का वैल्यू 10 थीटा से के इक्वल या उससे कम होना चाहिए। ओके, और न्यू का वैल्यू बी बाय एच से भी बड़ा है, न्यू 0.8 है और ये 0.33। और न्यू का वैल्यू जब जीरो बी बाय एच से बड़ा हो जाएगा तो बॉडी विल टॉपल। यानी आप आंसर क्या लिखोगे, अगर ऑप्शन में ये आंसर टिक करोगे द बॉडी विल टॉपल, ठीक है, अगर यहां पे मैं इसको ए लिखूं अबाउट पॉइंट ए, तो ऐसे आप इंक्लाइंड प्लेन में भी जज कर सकते हो इफ द बॉडी विल गोइंग टू टॉपल और नॉट। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में मैं इक्विलिब्रियम पे कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उसमें टॉपलिंग के भी क्वेश्चन होंगे। अभी मैंने आज आपको बस एक बेसिक आइडिया दिया, इस पे आप इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है।